पादुए परम भुलाणिया दूजै लगा हेत लख सिगार बनाया कारज नाही केत पादुए परम भुलाणिया दूजै लगा हेत लख सिगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसै ना देनी भेत छट खड़ोते खिनै माहे जिन स्यो लगा हेत हाथ मरोड़ै तन कपे स्याह हो हुआ सेत जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत से पादुए नरक ना पाई है गुर रखण वाला हेत से पादुए नरक ना पाई है गुर रखण वाला हेत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबां दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठे बड़भागी सतसंगी जनों सू संगता नूं पता है कि अज भादरों के महीने की संगरांद का जिथे दिहाड़ा है उथे कथनी अते करनी दे सूरे सूरबीर बचन के बली संत ग्यानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले तिना दे बरसी समागम गुरु कीआं संगतां वल्लों रल मिल करके मनाए जा रहे हन। सुभाओ रहिंदे समें विच अज दे महीने दा जो उपदेश है जिथे उस दी विचार होवेगी नाल ही नाल गुरबाणी दी रोशनी विच जो महापुरखां दा जीवन है वो आपां वेखण दा यतन करांगे क्योंकि चाहींदा भी इस तरह किसी भी सतपुरश का कोई दिहाड़ा होवे शहीद सिंघां दी याद होवे जां गुरु साहिबानां दा आगमन दिवस होवे जां जोती जोत दिहाड़ा होवे गुरु घर का कोई भी समागम है बिना बाणी तो संपूर्ण नहीं होता। सुआपा ने महापुरखां का जीवन बाणी के विचों ही वेखना है। हुणे ही ज्ञानी मोहन सिंह वडाणा ये वचन कर रहे सी कौमी आगुआ बारे कौमी लीडरां बारे प्यारियो एक कसौटी है भावें कोई कौम का राजनीतिक आगू है भावें कोई धार्मिक आगू है भावें कोई संत महापुरख या कोई रागी ढाडी कथावाचक कसौटी एको ही है कि उसने धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के सत्कार विच की कीता है गुरु पंथ के वाधे लिए की कीता है
गुरमत सिद्धांतों लई की कीता है, कसौटी कोई है सारियां दे। जिन्हां ने कुछ कीता है वो साडे लई सत्कार योग ने, भावें कोई है, किसी भी जथेबंदी दा, किसी भी संपर्दा दा, इन्हां विच असीं नहीं उलझना। जे उन्हें गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी लई कौमी दर्द नूं मुख रखदिआं गुरु पंथ का वाधा लोची है जां गुरमत सिद्धांतां दी गल कीती है। एक मेरे इतिहास का पन्ना याद आ गया, भाई आलम सिंह नचना, ये साहबजादियां दा खड़ावा सी। एक दिन आनंदपुर साहब की जंग अंदर इहदे कोल निशान साहब पकड़िया होया है, इहदे हाथ विच एक फौजदार आ के कहण लग्या, कहिंदा निशान नहीं मैं कर दे। भाई आलम सिंह कहण लगे नहीं, ये नहीं होएगा। वो कहिंदा तेरा मैं हाथ कट दूँ। वो कहिंदा फिर की होया, जे हाथ कट देंगा पैर है गे। वो कहिंदा पैर भी कट दूँ। वो कहण लग्या फिर की होया, मूँह हैगा ये राही फट दूँ। कहिंदा तेरा मैं सिर कट दूँ। भाई आलम सिंह कहण लग्या, जिन्नी देर तक मेरा सिर है ये निशान ने उच्चे ही रहना है, जदों मेरा सिर ना रहा फिर बाजां वाला जाने जा गुरु का निशान जाने। जिन्नी देर तक मैं है ये निशान ने उच्चे ही रहना। फौजदार ने आके वार किया भाई आलम सिंह ते, उधरों धन बाबा अजीत सिंह आए, उन्होंने निशान साहब सामभ लिया। मेरे कहने तो भाव ये जिहड़े कौम के निशान देसां विदेशां दे विच झुलदे ने ना, ये लोहे दे पाइप करके जां सिर्फ कपड़े करके नहीं झुलदे, इहदे पिछे धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का सत्कार है। इहदे लई किन्नियां शहीदियां होईयां ने कोई गिणती नहीं। ये निशाना दे लई संतां महापुरखां ने गुरु दे प्यारियां ने किन्नियां घालणा घालियां है, एक जीवन जी के दसिया कि जे कौम दे निशान नूं उच्चा रखना है तुहाडा जीवन होना चाहीदा है, तुहाडा करैक्टर होना चाहीदा, इखलाक होना चाहीदा तुहाडे पल्ले, तां कि कौम दे निशान उच्चे रह सकदे आ। सो महापुरखां ने ऐसियां घालणा घालियां जिन्हां दे याद विच आपां च जुड़े हाँ। सो आओ पहला शब्द की विचार शुरू करिए, क्योंकि ये टकसाल का निजम रहा है भी भावें किसी भी महापुरख की बरसी होवे याद होवे तां गुरबाणी की व्याख्या जां इतिहास की व्याख्या जरूर हुंदी है, उहदे अंतरगत ही जो मौके का समागम होवे वो विचार हुंदी है। सो भादरों का महीना अज शुरू होया है, जिस धरती ते सतगुरु जी ने बाणी उचारी, श्री अमृतसर साहब जी का वो अस्थान लंगर साहब के बिल्कुल सामने गुरद्वारा मंडी साहब, जितों हर रोज़ तुसी कथा श्रवण करते हो ना, उत्थे एक मार्बल की मंजी बनी हुई है, प्रकाश नहीं है धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का, उत्थे तां एक मंजी साहब बनिया होया है जिथे गुरु अर्जन महाराज ने बह करके बारह माह की बाणी उचारी सी, बकायदा लिखा होया उत्थे। अज भी जाके स्थान वेख सकते हो जिथे ये बाणी का उचारण होया है। तो भादरों का महीना जो आउंदा सी इहदे विच दो तरह का मौसम बनता सी, कदे बदल चढ़ के आ जाने किसान ने खुश हो जाना भी मीह पऊगा, फिर धुप आ जानी, कदे छां आ जानी, कदे धुप आ जानी, कदे ठंड लगनी, कदे गर्मी लगनी, दो विधा विच ये मौसम चलदा सी। हुण सतगुरु जी अज दे पावन वचन विच ये समझा रहे ने, बंदिया तेरे जीवन विच भी भादों वरती हुई है,
ਇਹ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਹੋ ਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਢ, ਆਪਣਾ ਆਦ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ, ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਕੇ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਦਾ ਪੈਡਲਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਝੂਠ ਵੱਲ ਮਨ ਦੌੜਦਾ, ਕਦੇ ਧਰਮੀ ਕਦੇ ਅਧਰਮੀ, ਕਦੇ ਆਸਤਕ ਕਦੇ ਨਾਸਤਕ, ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਉਹੀ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣ ਜੇ, ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੀਜ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਦੋ ਕੰਨ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ, ਦੋ ਪੈਰ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਉਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਇਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆ, ਦੂਜੈ ਲਗਾ ਹੇਤ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭਾਦੋ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਹੈ, 50 ਵਾਰੀ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ 60 ਸਾਲ ਹੈ 60 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਦੋਏ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆ, ਦੂਜੇ ਲਗਾ ਹੇਤ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹਿੱਤ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਬੇਗਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨਾ ਚੀਤ, ਚੀਤ ਜੋ ਬੈ ਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ, ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਸੈ, ਅਣਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਨੈ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਚੀਤ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਝੂਠ ਸਮਾਗਰੀ ਭੇਖ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ।
काम क्रोध अहंकार फिर है देवानिया सिर लगा जम डंड फिर पछताने बिन पूरे गुरदेव फिर है शैतानिया है तो तू रब का रूप सी पर शैतान क्यों बन गया क्योंकि तेरे जीवन में गुरु नहीं आया आ संसार नू सच करके जान लिया कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार जदों भरम विच पै गया तां तैनू एक परमात्मा भुल गया ते भुलना ही जीवन की सब तो वड्डी गलती है तुहानू की इह गल पुछे जीवन की सब तो वड्डी गलती की है सब तो वड्डा दुख की है सब तो वड्डी खुआरी की है सब तो वड्डा पाप की है उत्तर इक्को ही है रब नू भुल जाना हार बिसरत सदा खुआरी खुआरी ताको धोखा कहां ब्यापै जाको ओट तुहारी तुहारी बिन सिमरन जो जीवन बलना वाहिगुरु जी की याद तो बिना जेड़ा तेरा जीवन बतीत हो रहा है सर्प जैसे अर जारी ये सप वाली आरजू है सप जिमें धरती ते रींग के तुरदा तेरी सुरत भी हर वक्त पदार्थ नाल जुड़ी हुई है सप जिमें पींदा दुध है बनाउंदा जहर है उही कुछ तू कर रहे हैं हर वक्त तेरे जीवन विचों जहर निकल रही है भावें अखां दी गल है भावें तेरे बोलां दी गल है बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी होर सुन कहिंदे नभ खंडन को राज कमावे एक भुल गया जे एक नालों टुट गया नभ खंडन को राज कमावे अंत चलै गो हारी कहिंदे गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको किरपा धारी धारी सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी बलिहारी दुख तदे जा विसर जावे दुख क्यों व्यापदे ने क्योंकि रब भुल गया खुआरियां क्यों कर दें क्योंकि रब भुल गया पे खंदड़ो की भुल तुम्मा दिसम सोहना हालांकि पदार्थां विच है कुछ नहीं चमक दमक बहुत है गुरु अर्जन महाराज जैतसरी दे विच ये वचन है जैतसरी की वार दे विच बेखंदड़ो की भुल तुम्मा देसम सोहना देखण नूं तां तुम्मा बड़ा सोहना लगता है पर अड ना लहंदड़ो मुल किन्ना क मुल है उहदा नानक साथ न जुली माया ये पदार्थ ने नाल नहीं जाना पढ़ अपने गुरु का जीवन माछीवाड़े का जंगल एक पासे त्रेते दे अवतार का जीवन थोड़ा जा हुण दो इतिहास के पन्ने बराबर रख लियो एक पासे माछीवाड़े का जंगल है एक पासे वो जंगल है जिस थां ते भगवान रामचंद्र तो उन्हां दा भरा ते उन्हां दी घरवाली विछड़ी है दो तस्वीरां ने गुरु महाराज का वचन है रोवै राम निकाला पया विछोड़ा पया सी ना उत्थे दो बारी रोया एक बारी जो देश निकाला दिता उन्होंने भी जा चला जा हूँ बनवास है तेनों रोवै राम निकाला पया सीता लखमन विछड़ गया भरा भी विछड़ गया तो उन्होंने पत्नी घरवाली भी विछड़ गई तो त्रेते का अवतार रो रहा है मन मैं झुरै रामचंद सीता लखमन योग झूरदा सी वो भी रोंदा सी हनुमंतर आराध्या फिर याद किनू कीता हनुमान नू आ हुण आया कर संयोग बाणी दे बचन ने ना दूजे पासे चमकौर दी गढ़ी तो धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चले आ भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह भाई मान सिंह नू इशारा दे आए ने तारे की सेध आ जाओ मैं चले आ ताड़ी मार के निकले चलते चलाते पैरां दे विच जोड़ा नहीं हेठां घोड़ा नहीं किन्ने कंडे किन्नियां झाड़ियां बजियां कोई गिणती नहीं लत्तां दे विचों चरणां दे विचों खून सिमदा माछीवाड़े दे जंगल विच ना तलाई ना रजाई ना बिछाई कुछ भी नहीं कल्ले ने सज्जे हाथ में शमशीर का मुठा फड़िया
टिंड का सराहना लाया है तो गल कि करते ने परमात्मा नाल। और ये वो समय है, एक दिन पहला दो पुत शहीद होए ने, नौजवान पुत, धन बाबा अजीत सिंह, धन बाबा जुझार सिंह। कफन नहीं पाया, छोटे पुत्रां दा पता नहीं कित्थे ने, माता दा पता नहीं, महल दिल्ली जा चुके ने। जाना तो प्यारे सिख शहीद हो गए। फिर ओ माछीवाड़े दे जंगल विच गुरु गोबिंद सिंह ने की कहा सी कि मैनू पुत याद आउंदा है? नहीं। की कहा? मित्र प्यारे नू हाल मरीदां दा कहना, दुध बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, रब जी तेरे तो बिना जे तू मैनू भुल जे ना तां की होवेगा, जे तू मैनू याद आ तां की होवेगा। गल्लां तां दो ही ने इहदे विच, दुध बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, तेरे तो बिना सर्दी की रुत होवे उड़न वास्ते रजाइया मिल जान। की है ये? नाग निवासां दे रहना रहना, तेनू भुल के जीवन जिउणा इउं है। वो रजाइया दे लपेटे नहीं, वो तां आए ने जिवें बंदा नागां दे लपेटे पा के पिया होवे। गर्मी की रुत होवे, सराइयां विच पानी ठंडा रखिया जांदा सी, उह वक्त प्याले विच भर के पीना। सूल सराही खंजर प्याला प्याला, वो सराहियां दा जिहड़ा ठंडा पानी है वह पी के जीवन विचों दर्द नहीं मुकदा। क्यों? क्योंकि तेरी याद है नहीं। तो जिहड़े प्याले भर भर के पींदे ने, सूल सराही खंजर प्याला प्याला, ये इउं है जिवें बखी विच किसी ने खंजर च पोता होवे। बिंग कसाइयां दा सहना, कसाई जदों गां दा कतल करदे सी ना, उहदे गल विच रस्सा पा के पहलां उहनूं चंगी तरह खिचदे सी, खिची जाणा क्योंकि उहदी अंदरली चर्बी चमड़ी विच आ जाए, फिर चमड़ी मुलायम हो जांदी सी। उह चमड़ी दा मुल गां जिहड़ी दुध दिंदी है उह तों वध के पैंदा सी। इहनूं कहिंदे सी कसाइयां दा बिंग। किन्ना क दर्द हुंदा सी गां नूं, ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਆਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਸੱਥਰ, ਆਹ ਧਰਤੀ, ਕੋਈ ਤਲਾਈ ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਬਿਛਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਖੇੜੇ ਹੋਣ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤਪ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ? ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੱਸਾ ਇੱਕ ਤੱਤਾ, ਇੱਕ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਿੱਪੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਤੱਤਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਕੀ ਤਿਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਹ ਕੇਰੇ ਬੇਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ
समाणी दुनिया दियां बाशनामां उत्थे खत्म ही हो गईयां। इक्को ही मंग है कादी परमात्मा नूं मिलण दी। दुनिया दी बाशनामां मुक गईयां, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाईयां, कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छां सब पुजाईया। जिहड़ा सच दे रस्ते ते तुर पिया, जिन्हें अहम भाव त्याग दिता, ते जिहदे जीवन विच ना लभ है ना लोभ है, छड गया इहनां नूं। संत कौन है? जिहड़ा अंदरों शांत हो गया, कोई हुण मंग नहीं, कोई भुख नहीं। संत कौन है? जिहड़ा ज्यौंदा ही सहत अंत दे हो गया, जीवन विच प्राण चलदे ने पर अंदरों मर गया। किवें? शब्द मरो फिर जीव हो सद ही, तां फिर मरन ना होई। ते उहनां दा बाणी विच किन्ना क सतकार है। एक तो जिहड़े भुल गए, महाराज कहिंदे खुआर हो गए, बर्बाद हो गए, दुखां च पै गए, पापां च पै गए, अवगणा च पै गए, पर जिन्हां नूं याद सी उहनां नूं की कहा? भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा, परवान गणी से यह आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कै हों बल जाई, 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 मेरे राम हर जन कै जाई। केसा गागर चावर चुलावा, केसा गागर चावर चुलावा, केसा गागर चावर टुलावा, केसा गागर चावर टुलावा, चरण तोर मुख लाए, चरण तोर मुख लाए, बल जाए, मेरे राम हर जन कै हों बल जाए, मेरे राम हर जन कै हों बल जाए, मेरे राम हर जन कै हों बल जाए। आत्म रस जेहे जाने आ, हर रंग सहजे मान, नानक धन 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 जान, आए ते परवान परवान, धन 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 जान आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन कै एह सवाओ, जन कै संग चित आवै नाओ, आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन कहो सदा नमस्कार नमस्कार। दास ने जी मैं पहला बेनती की थी, आए सी पर दे के की गए, बंड के की गए। दुनिया ते दो तरह के लोग ने, एक लैन वाले ने खोण वाले ने, जा दूजे बंडन वाले ने। जेड़ा तो होवे कमजोर वो मंग लैंदा, जेड़ा होवे ताकतवर वो खो लैंदा। भिखारी ते लुटेरा बराबरी ने, जिहड़ा कमजोर है मंगदा है, जिहड़ा ताकतवर लुट लैंदा है। पर दूजे ने बंडन वाले, वो बंडदे ने, किन ही बणजिया कांसी तंबा,
किन्ही लौंग सुपारी सुपारी संतो बन गया नाम गोबिंद का संतो बन गया नाम गोबिंद का उन्होंने वाहिगुरु जी के नाम का वणज किया क्यों हर के नाम के व्यापारी व्यापारी जो उन्होंने खटिया वंडिया गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख लागे सहज ध्यान ध्यान माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान हर का नाम ध्याए सुन ते अगे की लिखिया जी सबना नो कर दान की वंड के गए हो जिथे नाम दियां दातां वंडियां ना उत्थे धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दा सत्कार किवें करना है चालियां पातियां उन्होंने इतिहास रचिया ज्ञानी मोहन सिंह वडाणा उन्होंने कोल तुसीं इतिहास सुनिया मैं टूक मात्री बेनती करनी हाँ महापुरखां दे जीवन बारे 4 अक्तूबर 1932 नूं बापू झंडा सिंह जी ते माता लाभ कौर जी नगर पूरा कोना उत्थे महापुरखां दा आउणा होया सी ते बचपन दे विचों ही गुरमत दी गुड़ती मिली ये वो समा सी गुरु प्यारियो 1920 श्रोमणी कमेटी बनती है फरवरी 1921 ननकाणा साहब का साका होंदा थोड़ा जिहा ध्यान लग सुने बेटी अंग्रेजा ने वेख लिया कि किवें ना किवें होवे ये कौम नू उपर चक्कण वालियां जिन्नियां भी ताकतां ने जिन्ने भी खजाने ने उन्हां ते वार कीता जाए तो वह वक्त एक रीत चलाती सी केड़ी कि जिहड़े आनंद कारज ने यह बेदी दे आले दुआले होणगे जिवें हिंदू वीर करदे आ ना फेरे लैंदे ने उह कि अग बाल लैणी बेदी प्रचंड करनी उहदे आले दुआले आनंद कारज होणगे ते होणगे भी रात नूं समा सी इह अंग्रेजां ने चलाया सी उह टाइम तां बाबा दयाल सिंह निरंकारी इतिहास जी ने पढ़िया होवे ये असली निरंकारी सी नकली नहीं बड़ा कुछ कीता सी इन्हां ने हादा नारा मारिया सी और वह वक्त बापू झंडा सिंह जी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा भिंडरां वाले उन्हां दियां भैणां सी दो जिहड़े आनंद कारज कीते सी ना वह बेदी दे दुआले नहीं सी कीते उन्होंने तां ही बेनती कर रहा दास कि परिवार ने कौम नूं दित्ता की है गुरु पंथ नूं दित्ता की है और वह वक्त लोग मखौल करते कहते आ की कर रहे ने झंडा सिंह जी दुनिया की करती है ये की करता फिरदा इहो जे घर दे विच महापुरखां दा आउणा होया गुरमत की गुड़ती मिली और ये वो समा सी बचपन अवस्था विच 25-25 पाठ जपजी साहब दे करने संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा 12वें जथेदार टकसाल दे उन्हां दी संगत मिली महापुरखां नूं बेनती की महापुरखो ते घरे प्रशादा पानी छको महापुरख जथा लैके पहुँच गए ते भांड्यां दा प्रबंध नहीं सी उत्थे ओह टाइम पत्तलां ते प्रशादा छकना जां हत्थां ते लै लैणा महापुरख कहण लगे करतार सिंह जे घरे बुलाया सी भांड्यां दा प्रबंध कर लैणा सी हाथ जोड़ दे निम्रता दे घर विच आ के कहण लगे महापुरखो गुरु हर राय महाराज नूं वी इक माई ने छकाया सी प्रेम विच भिज के रुखा मिसा ते मेरा भी प्रवान कर लो बस ये वचन करन दी देर सी महापुरख त्रुट गए अमृत दृष्ट पेखै होए संत संत बनदा नहीं बनाया जांदा है ब्रह्म ज्ञानी बनदा नहीं ये तो वह कृपा करे ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ये तो धुरों दरगाह ड्यूटियां ने इत्थे दी गल नहीं तो एफ ए तक पढ़ाई की महापुरखा ने खालसा कॉलेज अमृतसर साहब 12 पाठ जदों हरिमंदर साहब के दर्शन करने वास्ते जाना जांदिया ने करने ते 13 पाठ आउंदिया ने करने अखीर पटवारी की ड्यूटी की मन नहीं लग्या छड़ के महापुरखा की हजूरी च आ गए उन्होंने फिर जीवन घड़िया उन्होंने जिथे आप पंजां विच लग के अमृत की दात दत्ती सी ना गुरबाणी की संथ्या गुरमत सिद्धांत गुरमत रौ रीत
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਅਤੇ 25 ਪੱਤਰੇ 25 ਅੰਗ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸੀ 1964 ਵਿੱਚ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1964। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। 13 ਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 13 ਵਾਰੀ। ਅਤੇ 13ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ 'ਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਈਏ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1964 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 13 ਤੋਂ ਬਿੰਦੀ ਚੱਕੀ ਸੀ। 13 ਤੋਂ ਬਿੰਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, 13 13 13। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਚੱਕਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ ਜੀ 13 ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। 13 ਕਹਿਣਾ ਕਬੀਰ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ 13 ਸੋ 13 13 ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ ਬਿੰਦੀ ਚੱਕਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਕੀ ਜਿੱਥੇ 13 13 ਤੋਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਰਬਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਡੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਆਤਮਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 13 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 13 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, 8 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। 13 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਸੀ, ਹੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੌਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੁਖੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੂੰ। ਲੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਤਾਕਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। 1969 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖੀ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਜ ਕੇ, ਕੋਈ ਲੁਕਵੀਂ ਛਿਵੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ
नगर कोठार तो जलंधर के इलाके राय साहब होंगे सी खालसा कॉलेज के वो चेयरमैन सी कि महापुरखो कि तुसी आओ इत्थे आके गुरमत का प्रचार करो। नगर कीर्तन होना सी जिथे नगर कीर्तन की समाप्ति होनी सी उत्थे पंडाल लग के गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का प्रकाश सी कि उत्थे दीवान सजाया जाए तां गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे लई राय साहब ने एक बैंड का प्रबंध किया सी जलंधर तो कि गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के सरूप के अगे तुसी बैंड बजाई जाना है सत्कार वजो। पर जो महापुरुख जथा लैके आ जाना तो तुसी ये बैंड उन्होंने अगे बजाना है। ऐसी हो जा जो महापुरुख आए तो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश हो चुके हैं पंडाल में तो वो जेडे बैंड वाले वीर से ना वो महापुरखों को लैन वास्ते आ गए। जो बैंड बजाने लगे महापुरखों ने रोकते नहीं तुसी नहीं बजाना पंडाल चले गए जाके सीधे मैक ते जाके बोलन लगे कहन लगे संगत जी तुहाडे विचों कौन सी जिन्हें बैंड वाले वीरां नूं कहा सी कि महापुरखों के अगे बैंड बजाउणा है ते राय साहब उठ के खड़े हो गए संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हरक है जाको पाख स्वामी। चेयरमैन सी उन्होंने सद्या सी सारे प्रबंधक प्रबंध उन्होंने अधीन सी कहन लगे जी ये मैं कहा सी कहन लगे राय साहब आओ फिर अगे हुण 101 रुपया अपनी बोझे विचों कढ़िया महापुरखां ने कहिंदे 101 दा मड़ा तूं कढ ला छोटी गलती नहीं ये बहुत वड्डी गलती है जेड़ा बैंड तू धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे सत्कार वजों कीता सी वो मेरे अगे बजदा चंगा नहीं लगता एक शरीर दे अगे बजावे वह चल आपां अरदासा सोधीए 101 रुपया उह तों पवाया ते 101 रुपया महापुरखां ने आप पा के अरदास करी सी हे धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह तेरे सत्कार वास्ते बैंड कीता सी पर भुल भुलेखे ये वीर ने वह बैंड साढ़े अगे बजाता। ये पूरने ने कि धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का सत्कार तुसी किवें करना है। और कदे वह भी समा सी धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का 300 साल शहीदी दिहाड़ा बड़े पद्धर से मनाया जाना सी तां 37 नगर कीर्तन महापुरखों ने कढ़े ते सिख संगतां दे अंदर गुरु महाराज का प्यार पैदा किया वड्डी पद्धर ते अमृत संचार होए। 11 नवंबर 1975 का दिन सी रामलीला ग्राउंड जिथे 10-12 लाख का कट सी मौके की प्रधानमंत्री बीबी इंदिरा गांधी उत्थे पहुँचती है ते कुछ खुशामदी बंदे उदों भी सी अज भी ने ते जदों बीबी आई महाराज की हजूरी विच उठ के चले गए लैन वास्ते जड़े अंदर बैठे सी स्टेज दे वाले वो खड़े हो गए फिर वो सोले गए कहन लगे जी जिथे असी तुहाडा धन्नवाद करदे आ तुसी अपना एक पुत संजय सिंह पंजाब ब्याह के पंजाब नाल तुसी रिश्तेदारी पाई है ते असी चाहुंदे आ भी दूजा पुत भी उत्थे ब्याह दिओ। इस तरह दीआं गल्लां खुशामद विच कीतीआं ते महापुरख ताबिया बैठे चौर साहब की सेवा कर रहे सी। जदों उन्हां दा समां आया ना 20-25 मिनट उन्होंने बोलना सी उत्थे उठ के जिहड़ा पहला वचन कीता उन्होंने पहला वचन की सी सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे सिर जावे ता जावे पर मेरा सिखी सिदक ना जावे सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे सिर जावे जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे जपो जी सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे मेरा सिखी सिदक ना
सिदक ना जावे सिर जावे ता जावे मेरा सिखे सिदक ना जावे सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे ना पढ़ के महापुरखां दे अगले वचन शुरू कीते कहण लगे सिखो वा तुहाडे च बिरती कित्थों पैदा हो गई पहला हुंदे सी राजे महाराजे जदों मुगल चढ़ के आउंदे सी धीआं दे डोले दे के अपने बचाव वास्ते जां उहनां तों जगीरा लैंदे सी आ तुसीं तुहाडे विच बिरती कित्थों पैदा हो गई। दूजी गल बीबी चल के आई है जीओ आया कहने आ पर कोई एहसान नहीं क्यों ये गुरु तेग बहादुर महाराज का 300 साल है जिहड़ा समागम आपां मना रहे हां यह दिल्ली का वो तख्त जिथों औरंगजेब हुक्म करदा सी जनेऊ लाउण दे मूर्तियां भन्नण दे मंदर तोड़न दे ते गुरु तेग बहादुर महाराज ने तिलक जंझू राखा प्रब ताका किन्नो बड़ो कलू मैं साका धर्म हेत जिन साका की आसीस दिया पर सिर ना दिया वो जेड़ा चढ़ के आउंदा सी दिल्ली दे ताकत ते झंडा चलाउंदा सी जे ए ताकत तो बारी झंडा कोई परे कीता है खालसे ने कीता है ये कोई एहसान नहीं। अज दिल्ली दा ताकत गुरु तेग बहादुर महाराज दे दर ते आके झुकया है ये बीबी ने कोई वड्डा काम नहीं किया और मैं बीबी नूं भी कह